हेलो रोहन क्या हाल चाल गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग सॉरी मॉर्निंग तो नहीं है गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग आ जाओ गेट स्टार्टेड फटाफट आ जाओ फटाफट आ जाओ विल गेट स्टार्ट हेलो 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 एम आई लाइव आवाज हो रही है मतलब आवाज आ रही है मेरी हो रही कुछ हो गया आज मुझे चलो तो अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर तीन सौ से चार सौ आज का भी फुल सिलेबस ही है ठीक है देखते हैं आज कितने टेस्ट में नंबर लाते हो तुम और इम्प्रूव कर रहे है या नहीं टेस्ट बाय टेस्ट तुम्हारा नंबर ठीक है टेलीग्राम चैनल टी डॉट एम ई स्लैश आनंद मनी जीरो जीरो वन है यहाँ पे आपको इसका पी मिल जाएगा तो यहां से आप इसका पी को फॉलो कर सकते हैं ठीक है चलो शुरू करें रेडी रेडी वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई नोटेशन मिस ना करें एंड लेट्स गेट स्टार्टेड चलिए हाँ जी हाँ जी क्वेश्चन नंबर पहला रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज हाउ मेनी आर करेक्ट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज हाउ मैनी आर करेक्ट देखो फ्लोएम पेरनकाइमा इज ऑबसेंट इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट अच्छा फ्लोएम फाइबर आर जनरली ऑब्सेंट इन प्राइमरी फ्लोएम फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्राइमरी फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ नैरोज कॉल्ड मेटाफ्लोएम ठीक है एंड रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर सेल रे पैर सेल अब देखो प्राइमरी फ्लोएम जो होता है मेटाफ्लोएम नहीं होता यह ठीक है ये ठीक है ठीक है प्राइमरी फ्लोएम में यह ऑप्शेंट ये ठीक है, है और यह गलत है तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया आंसर हो गया टू क्वेश्चन नंबर टू क्रोमैटोफोर्स आर फाउंड इन हमने बात किया था साइनोबैक्टीरिया है ना क्रोमैटो आर फाउंड इन साइनोबैक्टीरिया हेल्प करता है फोटो में इट हेल्प इन फोटो सिंथेसिस राइट चलो बढ़िया क्वेश्चन नंबर थ्री प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर इनक्लोज न शीत कॉल्ड डैश तो प्लूम्यूल के लिए कोलियोप्टाइल था रेडिकल के लिए कोलियो राइजा था कोलियोप्टाइल और रेडिकल के लिए कोलियो राइजा राइट क्वेश्चन नंबर फोर ए बी ओ ब्लड ग्रुप आर एन एग्जाम्पल ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप बेटा सब का एग्जाम्पल है ये कोडोमिनेंस भी दिखाता है मल्टीपल एलिज्म दिखाता है तो आंसर इसका फोर्थ हो गया है ना कोडोमिनेंस भी दिखाता है मल्टीपल एलिज्म भी दिखाता है कोडोमिनेंस कौन सा ब्लड ग्रुप दिखाता है ए बी मल्टीपल एम कैसे दिखाता है आई ए आई बी और स्मॉल आई तो तीन अलील है इसमें तो इसलिए यह मल्टीपल अलिलिज्म भी दिखा रहा है क्वेश्चन नंबर फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्लूजन बॉडी नॉट इंक्लूडेड इन इंक्लूजन बॉडी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्लूजन बॉडी ठीक है राइबोजोम इज नॉट इंक्लूडेड इन इंक्लूजन बॉडी ठीक है सेवेंटी एस राइबोजोम होता है प्रो कैरियोर्स में सेवेंटी एस राइबोसोम इन ठीक है चल क्वेश्चन नंबर सिक्स द जीन्स विच आर वेरी टाइटली लिंक्ड ऑन अ क्रोमोजोम शो क्या रिकॉम्बिनेशन नहीं शो करेगा पेरेंटल कैरेक्टर ज्यादा होगा ठीक है तो अगर टाइटली लिंक्ड है तो मोर पेरेंटल कैरेक्टर एंड नो रिकॉम्बिनेशन आंसर क्या हो गया मोर पेरेंटल कैरेक्टर और नो रिकॉम्बिनेशन राइट क्वेश्चन नंबर सेवन सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली सेक्सुअल स्पोर आर प्रोड्यूस एक्सोजीनसली इन एक्सो जीनसली इन बेसिडियो में होता है तुम्हारा बेसिडियो स्पोर तुम्हारा एक्सोजीनस होता है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट लाइजोजोम, हाइड्रोलेज है इसके पास गॉल्जियोपैरेटस पैकिंग यूनिट वैक्यूल सराउंडेड बाय टोनोप्लास्ट और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन अमाइलो इलियो, अमाइलो स्टार्च एल्यूरो प्रोटीन और इलियो ऑयल ठीक है तो ए का थ्री बी का वन का फोर थ्री वन फोर और टू आंसर हो गया पहला क्वेश्चन नंबर नाइन सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट लाइकेंस आर सिंबॉयटिक एसोसिएशन बिटवीन एल्गी एंड फंगाई सही है वायरॉइड्स आर लार्जर देन वायरसेस एंड कॉज पीटीएसडी वायराइड्स आर स्मॉलर देन वायरस है ना लो मॉलिकुलर वेट आरएनए होता है इसमें तो आंसर हो गया टू याद रखिएगा प्रायस वायरस के साइज का होता है ठीक है सबसे छोटा वायरोइड होता है प्रायन्स वायरस के साइज का ही होता है क्वेश्चन नंबर टेन विच ऑफ फॉलोइंग पिगमेंट इज नॉन एज ऑक्सीजन स्कैवेंजर ऑक्सीजन स्कैवेंजर कौन सा होता था लेग हीमोग्लोबिन है ना नाइट्रोजनस उसमें पाया जाता था प्लांट में तुम्हारा जहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होता था है ना तो आंसर हो गया ठीक क्वेश्चन नंबर इलेवन स्पीशीज विच दो हैव अ स्मॉल पॉपुलेशन बट हैज अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन कंपोजिशन एंड फंक्शन ऑफ द कम्युनिटी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आबादी कम है बट इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है उस पर तो क्या कहेंगे इसको कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं उसको हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं ठीक है आंसर हो गया ठीक क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व विच फॉलोइंग टाइप्स ऑफ आर एन ए ब्रिंग्स अमाइनो एसिड एंड रीड द जेनेटिक कोड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमाइनो एसिड लाता है एंड रीड द जेनेटिक कोड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस अमाइनो एसिड ला कौन रहा है एंड रीड द जेनेटिक कोड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस तो टेम्पलेट कित आर एन ए काम करता है एडेप्टर मोलिक्यूल की तरह टी आर एन ए काम करता है राइट right. कैसा कैसा था इसका अमाइनो एसिड एंटीकोडॉन साइट ये अमाइनो एसिड साइट था डी एच यू लूप टी और ये एंटीकोडॉन साइट राइट नंबर तेरह ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड ऑफ प्लांट किंगडम क्यों दे रिक्वायर वॉटर फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन गेमिट ट्रांसफर के लिए वॉटर चाहिए दे रिक्वायर वाटर फॉर सेक्शुअल ट्रांस रिप्रोडक्शन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मतलब गेमिट ट्रांसफर के लिए उसको वाटर चाहिए ठीक है फोर्टीन इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑल्टीट्यूड सिकनेस इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू ऑल्टीट्यूड सिकनेस क्या होगा लो एटमोस्फेरिक प्रेशर है एट हाई ऑल्टीट्यूड तो आंसर क्या हो गया आंसर हो गया टू आज इजी क्वेश्चन से काफी ना आंसर हो गया टू क्वेश्चन नंबर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द फॉर कंजम्पशन टू नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी तो जीपीपी माइनस आर इज इक्वल टू एनपीपी तो प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? जी ये प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है एंड इट इज अवेलेबल फॉर हर्वी वोर्स इट इज अवेलेबल फॉर हर्वी वोर्स तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा वन विच आर द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर अ सब्सटेंस टू बी जेनेटिक मटेरियल नॉट नॉट इट मस्ट रेप्लीकेट इट मस्ट म्यूटेट इट मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन इट मस्ट बी एबल टू एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन इट शुड नॉट बी केमिकली स्टेबल यहां देखो इट शुड बी केमिकली एंड स्ट्रक्चरली स्टेबल आंसर हो गया टू है ना रेप्लीकेशन तो दिखाएगा म्यूटेशन भी होना चाहिए म्यूटेशन स्लो म्यूटेशन होना चाहिए ठीक है तो शुड नॉट लिखा है आंसर टू हो जाएगा सत्रह एनसीआरटी लाइन है बेटा इसमें तो कोई सोर्स ही नहीं है सेल्यूलोस गैलेक्टेंस मैनेस एंड कैल्शियम कार्बोनेट डाल दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पे से बार-बार बार-बार आया क्वेश्चन दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है इसको डाल दो मार्क कर दो इस पे क्वेश्चन आया हुआ है बार-बार क्वेश्चन नंबर 18 द स्ट्रक्चर व्हिच प्लेज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन गाइडिंग द पोलन ट्यूब इनटू द सिनेर्जेट फिलिफॉर्म एपरेटस है ना देखो एंटीपोडल 3 न्यूक्लियाई सिनरजिड्स एग सेल और यहां पे होता है ये फिलीफॉर्म अपैरेटस होता है ठीक है इन तीनों को मिला दोगे तो ये बनाता है एग अपैरेटस। तो सिनरजिड के अंदर पॉलेंड ट्यूब को घुसाता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्वेश्चन नंबर नाइनटीन इन विच प्लांट बोथ ऑटोगी एन इज प्रिवेंटेड तो डायसियस प्लांट में होगा तो क्या होगा पपाया और डेट पाम पपाया एंड डेट पाम पपाया एंड डेट पाम ट्वेंटी अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड इज कोडिंग फॉर अ पॉली पेप्टाइड तो फंक्शनल जीन को हम सिस्ट्रॉन कहते हैं ना फंक्शनल जीन इज कॉल्ड सिस्ट्रॉन तो इट विल कोड फॉर अ पॉली पेप्टाइड राइट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन इन द फॉलोइंग ह्यूमन पैटेगरी द फील्ड सिंबल्स रिप्रेजेंट एफेक्टेड इंडिविजुअल आइडेंटिफाई द टाइप देखो जनरेशन स्किप नहीं कर रहा स्किप नहीं कर रहा ना कर रहा है कि नहीं कर रहा <coughs> इसको था इसके बच्चे को हुआ यहाँ पे किसी को नहीं हुआ हो सकता है रिसेसिव होगा हेट्रोजैगस कंडीशन में होगा तो हो सकता है नहीं भी हो ठीक है इसको था इसके बच्चे को हुआ और इसको भी हुआ तो जनरेशन तो स्किप नहीं कर रहा जनरेशन तो स्किप नहीं कर रहा और क्रिस क्रॉस भी नहीं शो कर रहा नो क्रिस क्रॉस तो क्या हुआ ऑटोजोमल डोमिनेंट हो जाएगा ऑटोजोमल डोमिनेंट हो जाएगा रेसेसिव कैसे होगा बेटा जनरेशन स्किप नहीं कर रहा ना ट्वेंटी ऑड वन आउट विद रिस्पेक्ट टू एक्टिनोमॉर्फिक एक्टिनोमॉर्फिक बेटा क्या होता है कि तुम्हारा जो रेडियल सिमेट्री शो करता है ठीक है तो क्या हो जाएगा कैसिया ये कैशियामेट्रिकल होता है आंसर हो गया फोर्थ ट्वेंटी थ्री लेट्रल रूप ऑफ लैम्बरस क्रोमोजोम ठीक है लैम्बरस क्रोमोजोम आर द साइट फॉर देखो दो तरह का क्रोमोजोम था लैम्बरस और पॉलिटीन है ना लैम्बरस क्रोमोजोम में लूप्स होते हैं जो क्या करते हैं जो क्या करते हैं ये आर सिंथेसिस कराते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दो प्लीज नोट ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है ठीक है ठीक है और याद रखना जो पॉलिटीन क्रोमोजोम होता है इसमें पफ्स होते हैं जिसको हम बैलबियानी रिंग कहते हैं ठीक है जिसको हम बैलबियानी रिंग्स कहते हैं इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए इंपॉर्टेंट है ट्वेंटी फोर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच स्टेमिनो स्टलिन एपी पेटल ब्रिंजल मोनोडेल लिली और एपी तुम्हारा एपी मोनोडेल्फस नीगोसिट्रस बाकी सब ऑप्शन एलिमिनेट कर लो तुम्हारा आंसर आ जाएगा ठीक है पॉलीडेल्फस होता है आंसर हो गया थ्री ट्वेंटी फाइव फॉल्स सेप्टम याद करो ट्वेंटी फाइव फॉल्स सेप्टम आर्जीनोम है ना ठीक है फॉल्स सेप्टम प्रेजेंट होता है फ्री सेंट्रल टाइप है ना ठीक है ट्वेंटी सिक्स विच ऑर्गेनियल इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जॉर्ब इन सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन प्रोटीन सिंथेसिस और सिक्रीशन एक्टिवली इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रीशन सिंथेसिस और प्रोटीन क्या होता है टू है ना ये सिक्रीशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन ठीक है और याद रखना स्मूथ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीशन ऑफ स्टेरॉइड एंड स्टेरॉयडल हॉर्मोन्स ठीक है ट्वेंटी सेवन मेल हेट्रोगी ऑड वन बताना है बर्ड्स तुम्हारा फीमेल हेट्रोगी होता है जेड 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 बटरफ्लाई दोनों तुम्हारा फीमेल हेट्रोगी होता है जेड 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 ओ ठीक है तो इसमें ये जो है जेड जेड ये मेल है और जेड डब्ल्यू जो है ये फीमेल है जेड डब्ल्यू जो है ये फीमेल है ट्वेंटी एट पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी बेटा एल्टोनियन पिरामिड डालो इसको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसको डालो ठीक है पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा होगा सी में इन्वर्टेड होगा स्पिंडल शेप लेक में होगा ठीक है ठीक है पिरामिड ऑफ नंबर इन्वर्टेड होगा किसमें पैरासिटिक फूड चेन में पैरासिटिक वाले चेन में जहां पे ट्री है स्मॉल इंसेक्ट और पैरासाइट पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा अपराइट होगा ट्वेंटी नाइन एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिक्स ऑफ होमलोगोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर है ना क्रॉसिंग ओवर कौन सा फेज में होगा पैकेटिन कौन सा फेज में होगा पैकेटिन साइनेप्सिस तुम्हारा Zygotin में होगा थर्टी अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड किस चीज के लिए दिया जाता था किस चीज के लिए दिया जाता था रूरल एरियाज और ट्री प्रोटेक्शन के लिए आंसर हो गया फोर्थ आंसर हो गया फोर्थ ठीक है पिरामिड्स पे फंडा बॉक्स चेक कर देंगे ठीक है थर्टी वन जयगोटीन साइनेपिस पैकेटीन डिजोल्यूशन ऑफ द सनेप्टीमल सॉरी डिप्लोटीन में होता है डिजोल्यूशन ऑफ सैनेप्टीमल कॉम्प्लेक्स ठीक है पैकेटीन में रिकॉम्बिनेशन टेक्सप्लेस और डाइकनेसिस में टर्मलाइजेशन ऑफ कैजमाटा तो थ्री फोर वन एंड टू थ्री फोर वन एंड टू आंसर हो गया ए सेल्स टू बी बहुत अच्छा क्वेश्चन है नॉर्मल सेल फ्लैसिड सेल होता है नॉर्मल सेल फ्लैसिड सेल होता है तो देर इज नो नेट फ्लो ऑफ वाटर डालिए इसको गुड क्वेश्चन लोग क्या होता है कि वाटर बाहर निकला तो फ्लैसिड हो गया ठीक है ठीक है याद रखिएगा नॉर्मल सेल ज अ फ्लैसेड सेल ठीक है नहीं वॉटर्स इंटर्स इंटू नहीं ठीक है इसको डाल दीजिएगा प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा थर्टी थ्री कंटेजियम फ्लूडम विवम बीजनिक है ना और ये क्रिस्टलाइज्ड टी एम वी डिस्कवर्ड वायरस ठीक है और ये टर्म वायरस दिया था ठीक है ठीक है थर्टी फोर एयर पॉल्यूशन वार्ड इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नाइनटीन एटी सिक्स नॉइज ऐड हो गया था 1987 में ठीक <coughs> है तो आंसर हो गया टू थर्टी फाइव करेक्ट सीक्वेंस बताना है करेक्ट सीक्वेंस बताना है एब्जॉर्बशन ऑफ लाइट स्प्लिटिंग ऑफ वाटर और फॉर्मेशन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर से रिलीज ऑफ एनर्जी और फॉर्मेशन ऑफ ये तो बी ए डी और सी आंसर हो गया ए थर्टी सिक्स एंडोस्पोर्म में भी परसिस्टेंट तो कौन सा हो गया एलब्यू मिनस कैस्टर बाकी सारे तुम्हारे नॉन एल्बीमिनियस है बाकी सारे तुम्हारे नॉन एल्बीमिनियस है मेजोरिटी ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स फाउंड इन स्टेगनेट वाटर गॉनियलेक्स इज अ रेड डाइनोफ्लाइजलेट्स द बाउंड्री ऑफ किंगडम मोनेरा इज नॉट वेल डिफाइंड सोप लाइक बॉक्स इज फाउंड इन क्राइजोफाइड सोप लाइक बॉक्स इज फाउंड इन क्राइजोफाइड्स मोनेरा बिल्कुल प्रो सारे मोनेरा में आते हैं तो इट इज वेल डिफाइंड बाकी सब ठीक है इन इन फोटोसिंथेसिस ऑफ़ प्रोटॉन प्लेस किसमें थाइलाकॉइड के ल्यूमेन में ना कीमोस्मोटिक हाइपोथेसिस होता है ना थैलाकॉइड के ल्यूमेन में राइट right? थर्टी नाइन इंफीरियर ओवरी ग्वा रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर और ब्रिंजल तीन होगा ना ग्वा रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर और ब्रिंजल पहलाइनटीन एटी सेवन में क्या ऐड हुआ था Noise, बताया था तुमको एट्टी वन में एयर प्रिवेंशन एक्ट 1987 सेवन में नॉइज एड हो गया था राइट राइट फोर्टी वन इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंट्रैक्शन वन पार्टनर इज बेनिफिटेड एंड द अदर पार्टनर इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर हार्म तो प्लस और जीरो कमेंशियलिजम प्लस 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 माइनस माँण, सॉरी माइनस जीरो और ये माइनस माइनस ठीक है आंसर हो गया थ्री चलिए फोर्टी टू टॉचिंग नेटिव वन कहां पे फिलिपींस नहीं था ना आई आर एट और ये ये है ना या ताइवान है फिलीपींस या ताइवान ताइवान था आई थिंक ताइवान है हुँ. इसको एक बार देख लेना आई थिंक ताइवान है. ठीक ताइवान है ताइवान है ना ठीक फोर्टी थ्री जीन फॉर स्टार सिंथेसिस इन पी इन एन एग्जाम्पल ऑफ स्टार सिंथेसिस इनकम्लीट डोमिनेंस और तुम्हारा क्या शो करता था पीलियोट्रॉपी भी शो करता था है ना पीलियोट्रॉपी शो करता था और इनकम्प्लीट डोमिनेंस गुड क्वेश्चन देखो स्टार्च बाइंडिंग एंजाइम होता था ठीक है तो अगर ये क्या करता था दो फीचर कंट्रोल करता था अमाउंट ऑफ स्टार्च एंड साइज ऑफ स्टार्च ग्रेन तो अगर एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट दिखा रहा है तो उसको हम पिलियोट्रॉपी कहते हैं ठीक है ये भी गुड क्वेश्चन करेक्ट मैच कैसे स्ट्रेस हार्मोन है ठीक है रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक क्लाइमेटिकलिन है गिबर्न बोल्टिन कराता है ठीक है प्रमोट्स एपिकल डोमिनेंस तुम्हारा ऑक्सिन ऑक्सिन यहां पे यहां पे एसबिस्किक एसिड और यहां पे इथाइलिन तो आंसर हो गया थ्री आंसर हो गया थ्री ठीक है फोर्टी फाइव थ्री माइल आइलैंड एंड चनोबिल इंसिडेंट आर रेडियो एक्टिव वेस के कारण है ना रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण ठीक है ना? रेडियो एक्टिव वेस्ट के कारण ये था फोर्टी सिक्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटोकॉर्डेट इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटोकॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट प्रोटोकॉर्डेट्स इट इज नॉट पर है ना सिर्फ एम्बरियॉनिक स्टेज में पाया जाता है आंसर हो गया थ्री टू कैसे बेटा ठीक तो है फिजियोलॉजिकल वैल्यू ऑफ कार्बोहाइड्रेट फोर फोर और नाइन है ना कार्बोहाइड्रेट फैट और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट ठीक है और वैसे ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू है फोर पॉइंट वन फाइव पॉइंट सिक्स फाइव और नाइन है ना तो फिजियोलॉजिकल वैल्यू और ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू दोनों पे सवाल आएगा जब भी बॉडी में बात करेंगे तो हम फिजियोलॉजिकल वैल्यू की बात करेंगे और कैलोरी मीटर में बात करेंगे तो हम ग्रास ग्रॉस कैलोरिफिक वैल्यू की बात करेंगे ठीक है फोर्टी एट इनरिस्ट न्यूट्रिशनल वैल्यू फूड इज गोल्डन राइस है ना वाइटमिन ए इनरिस्ट राइस ठीक है तो इसको वाइटामिन एंड राइस कहते हैं ठीक है फोर्टी नाइन च आर द फॉलोइंग इज नॉट कॉज बाइ अंडर सिक्रीशन ऑफ अ हॉर्मोन अंडर सिक्रीशन ऑफ अ हॉर्मोन ये क्या होता है हाइपर थैरोडिज्म के कारण होता है ठीक है यह क्या होगा डिफिशियंसी ऑफ पैराथॉर्मोन यह क्या होगा डिफिशियंसी ऑफ एडीएच और यह क्या होगा डिफिशियंसी ऑफ एड्रीनल टेक्स ठीक है आंसर हो गया थ्री फिफ्टी वी कैन डिटरमाइन द हार्ट बीट ऑफ एन इंडिविजुअल बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स जितने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है उतना बीट हुआ हार्ट बीट है ना जितने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स है उतना हार्ट बीट होगा फिफ्टी वन इन द फिलाेंट एक्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ एंड थ्री एफ एक्टिन और ट्रोपोमायोसिन पेयर्ड होता है अनपेयर्ड होता है ट्रोपोनिन किस तरह का होता है ट्रोपोनिन आई टी और सी आई इनिवेट्री ट्री ट्रोपोमाइसिन और सी कैल्शियम फिफ्टी टू यूरिमिया अगर ब्लड यूरिन बढ़ जाता है ठीक है तो उसको यूरिमिया कहते हैं ठीक है ब्लड यूरिया अगर बढ़ जाता है तो उसको हम यूरिमिया कहते हैं इट इज एन इंडिकेटिव ऑफ किडनी फेलियर फिफ्टी थ्री नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट नॉट नॉट हीमोग्लोबिन है कि नहीं <coughs> जिसका डायरेक्ट फंक्शन हमको पता है बाकी सब सेकेंडी मेटाबोलाइट है फिफ्टी फोर इन मेल कॉकरोच ऑबसेंट इन मेल कॉक्रोच परमा थीका है ना ऑब्सेंट इन मेल कॉकरोच फिफ्टी फाइव सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ कॉन्ड्री देंबर्स इनकरेक्ट स्टेटमेंट ठीक है तो कार्टिलेजनस फेस और बोनी फेस की बात कर रहा है, तो यहाँ एयर ब्लाडर इसमें नहीं होता ठीक है माउथ डॉल अच्छा सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ना वेंट्रल है ना माउथ है। ऐसे होगा ना ये है ना ऐसे तो माउथ इज वेंट्रल फिफ्टी सिक्स विच आर द फॉलोइंग प्रोटेक्ट यूजर फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग एस्टडी कॉन्डम प्रिवेंट करेगा बाकी कोई चीज प्रिवेंट नहीं करेगा फिफ्टी सेवन. एक्सटेन्सिवली इन मले आर्चे पिलागो क्या एल्फ्रेड वॉलेस एंड ही केम टू सिमिलर कंक्लूजन एज दैट ऑफ डार्विन केम टू सिमिलर कंक्लूजन एज दैट ऑफ डारविन फिफ्टी एट इन मल्टीपल ओविलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लाइक एक्टिविटी है ना ताकि ज्यादा अंडा दे पाए पाएसएच लाइक एक्टिविटी ताकि ज्यादा अंडा दे पाए है ना सुपर ओवलेशन कहते हैं इसको सीक्वेंस डी नेचुरेशन और एक्सटेंशन नाइन्टी फोर डिग्री सेल्सियस फिफ्टी टू डिग्री सेल्सियस और सेवेंटी टू डिग्री सेल्सियस हम यूज करते हैं टैक पॉलीमरेज साइंटिस्ट का नाम था कैरी म्यूलियस और जो ट्यूब में किया था इसका नाम था एपेंडेर ट्यूब जिस ट्यूब का नाम था उसका था एपेंडेर ट्यूब ट अ कॉम्पोनेंट ऑफ पी बी आर थ्री टू टू ठीक है टेट्रासाइक्लिन साइक्लिन रेजिस्टेंस होगा एम्पीसिल रेजिस्टेंस होगा आर ओपी इसको हम कहते हैं इट कोट्स फॉर प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मेड इट कोट्स फॉर द प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर रेप्लीकेशन ऑफ प्लाज्मेड हिसार डेल किसका था बीकानेरी और मरीनो रैम्स है ना बीकानेरी ई एंड मरीनो रैम्स है ना क्रॉस ब्रीडिंग एंटीबॉडी मॉलिक्यूल होता है दो हैवी दो लाइट दोनों जुड़ा है डाइसल्फाइड से है ना एच टू एल टू मॉलिक्यूल इसमें याद रखना एपी होता है एक जो इस पे प्रेजेंट होता है एंटीबॉडी पे और एक पारा होता है जो एंटीजन के पास ठीक सिक्सटी थ्री

विच ऑफ़ द ग्रुप ऑफ आर इंजाइम एक्सोपेप्टोप्ट और जो बाहर से काटता है वो है और जो बीच से काटता है वो एंडोपेप्ट है जो बीच से काटता है वो, है. काटता है, वो है, प्लीज डाल दो इसको गुड क्वेश्चन प्लीज डाल दीजिए इसको गुड क्वेश्चन सिक्सटी सिक्स इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पलमनरी कैपेसिटी एफ आर सी फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या होगा आरवी प्लस ईआरवी तो आंसर हो गया फोर्थ आंसर हो गया फोर्थ अ स्टेट ऑफ हार्ट वेन इट इज नॉट पंपिंग ब्लड इफेक्टिवली पहले भी मैंने कराया था ब्लड अगर अच्छे से पंप नहीं कर पा रहा है तो उसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर अगर हार्ट स्टॉप बीटिंग तो उसको हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक अगर है हार्ट मसल मर रहा है तो इसको हम कहते हैं कार्डियक हार्ट अटैक प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन ऑफ स्केल्टल मसल मोस्टली अ जेनेटिक डिसऑर्डर जेनेटिक है तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी माइसीनिय ग्रेविस कब होगा जब ऑटो इम्यून होगा और सेल्स अटैक कर देता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे गाउट एक्मलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट ठीक है एक्यूमलेशन ऑफ यूरिक एसिड इन ज्वाइंट सिक्सटी नाइन एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक होगा है ना वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्निक मतलब प्रोटीन के लिए यूज कर रहे हैं दन ब्लॉटिंग आरएनए के लिए करते हैं और सदन ब्लॉटिंग डीएनए के लिए करते हैं पीसीआर और सडन ब्लॉटिंग दोनों होगा मतलब पीसीआर में सदन ब्लॉटिंग होगा डीएनए में करते हैं ठीक है आंसर हो, हो गया टू सेवेंटी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट बताना है कितना करेक्ट है ठीक है ड्यूरिंग जीन थेरेपी और फंक्शनल एडीए

ऑन केमिकल पेस्टिसाइड लेस रेजिलियस तो यह हो गया गलत तो हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट करेक्ट दो है गलत दो है ठीक है सेवेंटी वन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन डिप्रेशन कैन बी ओवरकम बाय इन ब्रीडिंग आउटक्रॉस कर देंगे है ना आउटक्रॉस मतलब आउटक्रॉस मतलब चार टू छ जनरेशन तक रिलेटेड नहीं है उसके साथ क्रॉस कर दो तो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन आप ओवरकम कर सकते हैं सेवेंटी टू पॉपी प्लांट है ठीक है तो रिसेप्टर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है है ना यूफोरिया तुम्हारा कोकेन क्रॉस करेगा ठीक है तो आंसर हो गया तुम्हारा बी सेवेंटी थ्री ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की पॉस्टुलेट्स ऑफ डार्विन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है इसको हम कहते हैं सोल्टेशन सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन इज कॉल्ड सोल्टेशन चलिए अगला क्वेश्चन नंबर सेवेंटी फोर जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस इफ जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन चेंजेस इफ साइज लार्ज होगा रैंडम मेटिंग होगा ठीक है चेंज इन अलीग फ्रीक्वेंसी कब होगा चेंज इन अलीलिग फ्रीक्वेंसी कब होगा जब जीन माइग्रेशन होने लगेगा है ना तो दे शुड बी नो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन शुड बी नो नेचुरल सिलेक्शन शुड शुड बी बी नो नो जीन फ्लो जेनेटिक ड्रिफ्ट ठीक है द मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ मेलेग्नेंट ट्यूमर इज मेटास्टास्टा मतलब दूसरे जगह फैल सकता है इस फिनोमिना को हम मेटास्टा कहते हैं दूसरे जगह फैल सकता है इस फिनोमिना को हम Metastasis कहते हैं। मॉस्किटो रेस्पेक्टिवली आर मॉस्किटो में स्पोरोजॉइड्स ठीक है ह्यूमन सॉरी ह्यूम में स्पोरोजॉइड्स और मॉस्किटो में गैमिटोसाइड्स है ना ठीक है और उसके बाद ये गट में जाता है और गट में फर्टिलाइजेशन होता है और उसके बाद बनाता है उ काय नीट सेवेंटी सेवन एडिनोसिन डीए माइनस स्कीड कहते हैं इसको है ना सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी डिजीज सेवेंटी एट नॉट अ डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर नॉट अ डायरेक्ट मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर ठीक है इसमें क्या होता है टी आई प्लाज्मिट यूज करते हैं किसके लिए यूज करते हैं हायर प्लांट के लिए हीट शॉक में क्या करते हैं फोर्टी टू डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं और उसके बाद फिर आइस पे डालते हैं तो इस प्रोसेस में क्या होता है ट्रांजिएंट पोर बन जाता है ठीक है माइक्रो इंजेक्शन एनिमल सेल के लिए करते हैं और जीन गन प्लांट सेल के लिए करते हैं इस पर एक सवाल आएगा ही आएगा इस पर एक सवाल आएगा ही आएगा ठीक है सेवेंटी नाइन जेनेटिकली इंजीनियर्ड मेच्योर इंसुलिन लैक्स सी चेन नहीं होता ठीक है देर इज नो

टेट्रासाइक्लिन तो किसमें ग्रो करेगा एम्पिसिलिन में ग्रो कर पाएगा है ना कंप्लीट न्यूट्रिशन विद एम्पिसिलिन में ग्रो कर पाएगा अगर टेट्रासाइक्लिन हटा दिए तो और अगर एम्पिसिलिन हटाएंगे तो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कर पाएगा राइट right? 81 नॉट अ सेकेंडरी लिंफोइड organ नॉट अ सेकेंडरी लिंफोइड organ याद रखिएगा बोन मैरो एंड थाइमस ये प्राइमरी लिंफॉयड ऑर्गेन होता है एट्टी टू नियाडरथल चौदह सो सीसी होमोरेक्टस नौ सौ सीसी होमोहेबिलिस सिक्स फिफ्टी क्रोमैगनिन सोलह सौ पचास तो थ्री फोर टू वन थ्री फोर टू और वन चौथा है ना एटी थ्री ऑफ बॉग्यूनविला एंड टेंड्रिल्स ऑफ कुकुरबिट शो एडेप्टिव कन्वर्जन नहीं ये गलत है ये दोनों स्टेम है मॉडिफिकेशन तो गलत है ठीक है आर्टिफिशियल सिलेक्शन में मैन बिकेम पॉसिबल ओनली ड्यू टू एनोलॉगी अमंग एनिमल्स नो, एडेप्टिव रेडिएशन लेट टू द डार्कर ये नेचुरल सिलेक्शन आंसर क्या हो गया चौथा आंसर क्या हो गया चौथा एट्टी फोर अ सेट ऑफ हार्मोन दैट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग पार्चुरेशन दैट पार्टिसिपेट ड्यूरिंग पार्चू बहुत अच्छा क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्यान से देखना बेटा देखो एच सी जी इनिशियल प्रेगनेंसी में होता है ठीक है प्रोजेस्ट्रॉन इनिशियल प्रेगनेंसी में होता है तो ऑक्सीटोसिन कोर्टिसोल और रिलैक्सिन वेरी गुड क्वेश्चन आज का लगा दो इसको क्वेश्चन ऑफ द डे क्वेश्चन ऑफ द डे है ना ऑक्सीटोसिन इज द मेन पार्च्यूरिशन हार्मोन रिलैक्सिन क्या कराएगा डायलेशन ऑफ प्यूबिस सिम्फाइसिस है ना डायलेशन ऑफ सिम्फाइसिस फॉर पार्च्यूरेशन बहुत अच्छा क्वेश्चन है एट्टी फाइव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिलिया वेजाइना नहीं होता है ठीक है बाकी सब फीमेल एक्सटर्नल जेनेटिया का पार्ट है एट्टी सिक्स चूज इन करेक्ट मैच विथ रेस्पेक्ट टू कन्वर्जेंट इवॉल्यूशन ऑफ प्लेसेंटल मैमल्स ऑस्ट्रेलियन कल भी कराया था ये क्वेश्चन कल भी कराया था ये क्वेश्चन इनकरेक्ट बॉब कैट कैटमानियन कैट होगा ठीक है बाकी सब ठीक है बाकी सब ठीक है? है आंसर तुम्हारा थ्री हो गया एवन परफॉर्म एंटीबॉडीज अगेंस्ट स्नेक वेवन क्या हो गया तुम्हारा आर्टिफिशियल पैसिम्युनाइजेशन नेचुरल पैसिशन होगा कोलेस्ट्रॉम जो मदर्स मिल्क देते हैं तो आंसर हो गया टू एट्टी एट बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर अच्छा क्वेश्चन है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर एल्फा इंटरफेर याद रखिएगा ठीक है तो ये क्या करता है दूसरे सेल को इन्फेक्ट होने से बचाता है गुड क्वेश्चन एट्टी नाइन च आर द फॉलोइंग मेनलीस द स्पर्मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्न सप्रेस मोटिलिटी मोटिलिटी सी यू टी सीवन और मल्टीलोड थ्री सेवेंटी फाइव ठीक है तो ये तुम्हारा yeah. लिप्स लूप नॉन मेडिकेटेड एक सवाल आएगा ये आएगा नाइनटी वॉटसन क्रिक मॉडल डिपिक्स बी डी एन एस इसको हम कहते हैं बैलेंस डीएनए है ना देख लो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा डबल हेलिक्स मॉडल ट्वेंटी आर्मस्ट्रॉन्ग थर्टी फोर आर्मस्ट्रॉन्ग और इसमें दस बेस पेयर होगा और ये थ्री पॉइंट फोर आर्म स्ट्रॉन्ग ठीक है तो अगर इसको लिखोगे तो टू नैनोमीटर थ्री पॉइंट फोर नैनोमीटर और जीरो पॉइंट थ्री फोर नैनोमीटर ठीक है वन आर्मस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस टेन मीटर वन नैनोमीटर इज इक्वल टू टेन टू द पावर माइनस नाइन मीटर क्लियर रखिएगा इसको ठीक है नब्बे क्वेश्चन हो गया आगे लो आज नब्बे क्वेश्चन ये ठीक है तो बता दो टू डे स्कोर क्या है तुम्हारा ठीक है और अपने वीक टॉपिक्स क्या है वो कमेंट सेक्शन में डाल देना ठीक है दूसरा जिन बच्चों ने हैंडबुक बेटा नहीं खरीदा खरीद लो ट्वेंटी एट को वीडियो आएगा क्लास ट्वेल्थ पूरा तो हैंडबुक परचेज कर लिए अमेजोन और फ्लिपकार्टे आपको मिल जाएगा ठीक है और इससे आपकी तैयारी बिल्कुल बहुत अमेजिंग तरीके से हो जाएगी ठीक है वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन